नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आज शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। बताया जा रहा था कि यह घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटियों पर आधारित होगा। पार्टी के इन 5 न्यायों में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय शामिल हैं। इन 5 न्यायों के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमारा घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है और इसे देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नारी न्याय के तहत हर गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए नकद ट्रांसफर किए जाएंगे। किसान न्याय के तहत किसानों को MSP कानून की गारंटी दी जाएगी और किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में न्यूनतम 400 रुपए मजदूरी का प्रावधान किया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे और युवा न्याय के तहत नौकरी की पक्की गारंटी, रोजगार क्षमता बढ़ाने और करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा है कि संदिग्ध सौदों की जाँच की जाएगी और उन लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने इससे अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है। इसके अलावा कहा गया है कि BJP में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को कानून से बचने की अनुमति दी गई, लेकिन सत्ता में आने पर ऐसे लोगों पर लगे आरोपों की फिर से जांच की जाएगी। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है। इसके अलावा कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना व वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी, जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। इसी तरह कुल मिलाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में 25 गारंटियां जारी की गई हैं, जो कि न्याय के इन 5 स्तंभों से निकलती हैं। चुनाव से पहले विवादित फिल्म द केरला स्टोरी को आज 5 अप्रैल को सरकारी चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा, जिसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। केरल कांग्रेस के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता VD सतीशन ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर फिल्म द केरला स्टोरी को दूरदर्शन पर दिखाए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि पता चला है कि फिल्म केरला स्टोरी को 5 अप्रैल को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि द केरला स्टोरी एक प्रोपोगेंडा फिल्म है जो बेहद झूठे वादों पर आधारित है और राज्य के लोगों की एक निराशाजनक तस्वीर पेश करने का प्रयास करती है। मेरा मानना है कि ये फिल्म सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने के लिए संघ परिवार के जहरीले एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन का यह फैसला केरल के लोगों का सीधा अपमान है और साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है, जो समाज को धार्मिक आधार पर बांटने के किसी भी प्रयास को प्रतिबंधित करता है। फिल्म द केरला स्टोरी के प्रसारण पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि द केरला स्टोरी को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का फैसला बहुत निंदनीय है, जो ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय समाचार प्रसारक को BJP और RSS की प्रोपोगेंडा मशीन नहीं बनना चाहिए और ऐसी फिल्म के प्रसारण को रद्द करना चाहिए जो आम चुनावों से पहले सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती हैं। BJP की शिकायत पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को नोटिस भेजा है। दरअसल 2 अप्रैल को आतिशी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने BJP से ऑफर मिलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि BJP की तरफ से पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर मिला है। मेरे करीबियों के द्वारा BJP की तरफ से मुझे अप्रोच किया गया। मुझे कहा गया कि BJP ज्वाइन कर लो, वरना आने वाले 1 महीने के अंदर ED मेरे घर पर रेड करेगी और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। BJP का इरादा है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर मुझे, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं अब उनके इस बयान के खिलाफ BJP ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि आतिशी ने BJP को लेकर गलत बयान दिया है। बिहार की हॉट सीट बनी पूर्णिया पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है।
दरअसल इस सीट पर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन की सहयोगी आरजेडी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया, जहां आरजेडी की तरफ से बीमा भारती ने पूर्णिया लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं पप्पू यादव निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव पूर्णिया सीट को लेकर कितने इमोशनल हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वह नामांकन करने के दौरान मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे, और नामांकन दाखिल करने के समय उन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहूंगा, मुझे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, कई लोगों ने मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची, लेकिन पूर्णिया की जनता ने हमेशा पप्पू यादव को जाति धर्म से ऊपर रखा है, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा और मेरा संकल्प राहुल गांधी को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल गुरुवार को बिहार के जमुई में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। वहीं अब उनकी टिप्पणियों पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अलग ही अंदाज में पलटवार किया है। लालू यादव ने कविता के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सबसे पहले आरजेडी प्रमुख ने पूछा कि क्यों है इतना झूठ, कौन बोलता है इतना झूठ। तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास वादों और इरादों में झूठ, हर जगह हर बात, हर सोच हर विचार में झूठ, परिवारवाद पर झूठ और भ्रष्टाचार पर भी झूठ बोल रहे हैं वो लोग। अगर कोई बंदा भाजपा में आए तो राजनीतिक धंधा, और विपक्ष में है तो वह गंदा। लालू यादव ने कहा कि झूठ का अंबार, झूठ का दरबार, झूठ का भंडार और झूठ का व्यापार मोदी सरकार। असम में कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने एक स्थानीय अदालत में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सीएम सरमा द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण उनकी और पार्टी की छवि खराब हुई है। इसके साथ ही उन्होंने एक स्थानीय अखबार के संपादक को भी वादी बनाया है। बोरा ने आरोप लगाया कि कई मौकों पर सीएम शर्मा के बयानों से यह दावा किया गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही पार्टी छोड़ देंगे, इससे जनता के सामने उनकी और पार्टी की छवि खराब हुई है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि बोरा भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन बाद में विपक्षी पार्टी ने इसे खारिज कर दिया। चुनावी गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पर है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। दरअसल राहुल गांधी साल 2019 में हुए चुनाव यहां से हार गए थे और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी। अब बीजेपी ने तो एक बार फिर इस सीट से अपनी मौजूदा सांसद ईरानी को ही टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। अब इस बीच एक नाम है जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो रही है, और वो नाम है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का। दरअसल हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी लोकसभा सीट को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें इस सीट के लिए अपना प्रत्याशी बना सकती है। रॉबर्ट वाड्रा ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि अभी अमेठी की जो सांसद हैं उनसे अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। अमेठी की जनता को लगता है कि गलती हुई है, वो अमेठी की प्रगति के बारे में नहीं सोच रही, वो बस गांधी परिवार पर इल्ज़ाम लगाने में लगी रहती हैं। रॉबर्ट ने आगे कहा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की है, कि स्मृति को जिताया और राहुल को दूसरी सीट खोजनी पड़ी, लेकिन अब वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां आए और वो भी भारी बहुमत से जिताएंगे, यहां तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं। वो आशा करते हैं कि मैं राजनीति में पहला कदम रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी का ही प्रतिनिधित्व करूँ, क्योंकि 1999 से मैंने जो प्रियंका के साथ प्रचार शुरू किया वो अमेठी से ही किया था। वहाँ के लोग जिनके साथ मैंने काम किया, मेहनत की, वो अभी भी मुझसे संपर्क में रहते हैं। वह अब रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि वह अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में कदम रखने का संकेत दिए जाने के बाद इस पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय राय ने कहा कि है मेरी जानकारी में नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जनभावना के तहत राहुल गांधी चुनाव लड़ें, लेकिन फिर भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसे भी उम्मीदवार तय करेगा पूरा संगठन उनके साथ रहेगा। देश के चुनावी माहौल में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का सिलसिला जारी है।
इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में अपने कर्मों के कारण हैं, वो अपने भ्रष्टाचार के कारण जेल में हैं। इसमें बीजेपी का सिर्फ इतना ही योगदान है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाती है। अगर मनोज तिवारी भी भ्रष्टाचार करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सजा मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि जेल से गैंग चला करते हैं, सरकार नहीं चल सकती। अगर जेल से सरकार चल सकती तो लालू यादव को अपनी जगह राबड़ी देवी को सीएम नहीं बनाना पड़ता, हेमंत सोरेन को अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू पर 31 मार्च को उनकी प्रचार रैली के दौरान कथित तौर पर मुख्यमंत्री को राक्षस, जानवर, चोर और कई अन्य आपत्तिजनक शब्द कहने का आरोप है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए चुनाव आयोग ने टीडीपी प्रमुख के खिलाफ गुरुवार को नोटिस जारी किया। नोटिस में नायडू को उनकी टिप्पणी पर जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। मामले को लेकर वाईएसआरसीपी के राज्य महासचिव लैला अप्पी रेड्डी और एक अन्य व्यक्ति ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आयोग ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीडीपी प्रमुख को यह नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सामने आ रही खींचतान की खबरों के बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें महाविकास अघाड़ी की हैं, विशेष रूप से शिवसेना यूबीटी या कांग्रेस की नहीं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास एमवीए की सभी सीटें जीतने का स्पष्ट दृष्टिकोण है। सांगली सीट पर शिवसेना के होने से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। अमरावती और कोल्हापुर हमारी सीटें थीं, लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया। सांगली में कांग्रेस के कुछ लोग गुस्से में हैं, तो उन्हें समझाना शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है। हम सांगली की सीट जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।